दोस्तों इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले बांग्लादेश वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का, जो कि ओडीआई मैच जो कि खेला जाएगा, मैं आपको बता दूं ये वार्म अप मैच है और इसका जो रूल है मैं आपको वो भी इस वीडियो में समझाऊंगा कि लाइनअप क्यों नहीं आता है और क्यों प्लेयर्स के 0 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहना, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बता रहा हूँ बट जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स है उनको भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बात करते मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, एंड तक देखना, बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो आपको डेमो टीम लूँगा तो फाइनल टीम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फाइनल स्मॉल टीम जो अपडेट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दो। तो जिसको फ्री विन टीम चाहिए टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे आसान मेथड है, कमेंट सेक्शन जाइए, एक लिंक पिन कर दूँ उस पर क्लिक करके आ जा रहा, जहाँ पर 17,000 से ज़्यादा लोग हैं, 17,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो जिसको फ्री विन टीम चाहिए टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के लिंक से आ सकते हो या फिर आप चाहो तो सर्च करके भी कर सकते, सिंपली सर्च पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको फ्री विन टीम चाहिए टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको स्मॉल लीग की गारंटी शेयर कर दूंगा डेड लाइन से 15 मिनट पहले, जहाँ पे कर ली 70,000 से भी ज़्यादा लोग, 17,000 से भी ज़्यादा लोग, ठीक है। अगर आपको सर्च करना तो F11 टीम ऑफिशियल सर्च करना, F11 टीम ऑफिशियल, ठीक है। ये चीज़ सर्च करो, यूज़र नेम देख लो F11 टीम ऑफिशियल, एक फैंटेसी टीम के नाम से आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे 17,000 से ज़्यादा लोग है। मेरी बात हो तो लिंक से आ जाना, लिंक ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको रूल बता देता हूँ, अभी रुक जाओ, पहले अभी ना ओपन कर लेते हैं बात विकेट कीपर सेक्शन। मैं आपको बताता हूँ कि लाइनअप में क्यों नहीं बता रहा हूँ, प्लेइंग में क्यों नहीं बता रहा हूँ, बात करें विकेट कीपर सेक्शन। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक करना, रात में मैच है आपके लिए, फ्री में इतना मेहनत करते तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर पहले और पेस्ट आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं आपको बताता हूँ कि लाइनअप क्यों नहीं आता। पहली बात तो ये वार्म अप मैच है, तो कोई भी प्लेयर कभी भी बैटिंग करने आ सकते हैं और कोई भी प्लेयर कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि 11 प्लेयर्स खेलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे बांग्लादेश वुमेन के और इंग्लैंड वुमेन के दोनों की तरह से स्क्वाड खेल सकते, जैसे कि इनके स्क्वाड में 15 प्लेयर्स है तो इनके स्क्वाड में 15 प्लेयर्स है, तो दोनों 15-15 प्लेयर्स खेल सकते हैं, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इधर 12 प्लेयर है, अगर इधर 15 है, तो ये 12 और 15 का भी कॉम्बिनेशन चलेगा, जैसे चाहे वैसे टीम खेल सकते। एक तरीके से प्रैक्टिस मैच है, बट ये थोड़ा प्रोफेशनल मैच है लेकिन प्रैक्टिस एक तरीके से, क्योंकि 4 तारीख से जो वुमेंस वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारी चल रहा है। तो आप लोग ग्रैली पे ज़्यादा फोकस करना, फिर भी अपना जोर से बेस्ट देंगे। मैं आपको बता देता हूँ लाइनअप वगैरह, सबसे पहले आपको बता दो तो इसके लिए ना लाइनअप चेक नहीं करते, इसके लिए स्क्वाड चेक करते कि कौन प्लेयर स्क्वाड ज्वाइन कर रखे हो कौन नहीं कर रखे। तो आपको स्क्वाड बता देता हूँ, ये रहा मैच, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको स्क्वाड बता दूँ कि कौन प्लेयर्स अवेलेबल है, ये आपको दिखा देता हूँ। पहले बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन की जो कि स्क्वाड है, देखो निगार सुल्तान टीम कैप्टन से विकेट कीपिंग करेगी, और मैं स्क्वाड एक बार देख लेता हूँ खुद से, देख लो यहाँ पे, तो ये इनका स्क्वाड है, मैं एक बार देख लेता हूँ। इंग्लैंड वुमेन की जो कैप्टनसी कर रही है, हेदर नाइट कैप्टनसी कर रही है, और एमी जो हैज विकेट कीपिंग कर रही है, तो मुझे पता है ये विकेट कीपिंग कर रही है, ये सब आप सभी जानते हो। बात की विकेट कीपर सेक्शन, कोई लाइनअप नहीं आएगा, ठीक है। बात की विकेट कीपर सेक्शन, मैं आपको बता दूँ नियर सुल्तान कैप्टनसी कर रही है प्लस ओपनिंग कर रही है, नहीं तो वनडर बैटिंग, इससे ज्यादा नीचे नहीं। तो आप इनके साथ ही जाओ, अच्छी प्लेटी से कैप्टनसी कर रही, कभी आपको बड़ी नहीं खेल के दे सकती। एमी जोस अच्छी विकेट कीपिंग करके आपको दे सकती है, प्लस टीम के साथ से कॉन्स्टेंट परफॉर्मर है। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ नियर सुल्तान के साथ एज, और उसके अलावा एस सुल्तान जो टीम ओपन करती है अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से, कवर कर सकते हो, ये वनडर बैटिंग कर सकती है और ये ओपन करेगी टीम की तरफ से। उसका हेडराइट इंपॉर्टेंट है, टेबिवेंट इंपॉर्टेंट है, कवर कर सकते हो, एफएक्यू इंपॉर्टेंट है, टीम के तरफ से सभी अवेलेबल है, ठीक है, स्क्वाड है। उसके अलावा एम खातून जा सकते हो, बट उतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंट कभी भी नहीं है, तो इनको साइड रखना भी के लिए। डेने वाइट इंपॉर्टेंट है, कवर कर सकते हो, तो मैं कवर करना भी चाहूँगा। तो ये 4 बैट्समैन ले रहा हूँ जो चारों इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंडर सेक्शन नेथलिस कैबर इंपॉर्टेंट है, वो एस खातून इंपॉर्टेंट है, K1 इंपॉर्टेंट है, तो सक्सेस आप ले लो नेथलिस कैबर को। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो बता रहे ना प्लेइंग इलेवन, प्लेइंग नाम का चीज़ नहीं होता, इस वार्म अप मैचेस पर ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्क्वाड पे ध्यान देखिए कि कौन से प्लेयर स्क्वाड ज्वाइन करेगा और कौन नहीं। एस खातून बैटिंग बोली दोरी कर लेती, लेकिन बैटिंग से तो होप मत करना, लेकिन बॉलिंग से विकेट टेकी प्लेयर टीम की तरफ से। केटली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रुमान अहमद को मैं चाहता हूँ बट नहीं कवर कर पाऊँ, कि ऑलरेडी हमने पिक कर लिए 4 बैट्समैन, तो मैं 3 ऑलरेडी कवर कर चुके, बट फिर भी साइड रखते हुए, बट रुमान अहमद अच्छी प्लेटिंग से ट्राई करना चाहो तो एफ एक्यू के लिए ट्राई कर सो, जो कि मैं ट्राई करना भी चाहूँगा, क्योंकि वे बैटिंग बोली तो नहीं करेगी। एफ एक्यू क्या किए दोस्तों, ये टीम की तरफ से 4 नंबर बैटिंग करती, नहीं तो 1 नंबर बैटिंग करती टीम की तरफ से, आपको ही पता है। तो साइड रखते, सोफी लिस्टोन को कवर कर लो सबसे पहले, उसके अलावा कवर कर लो रितु मोनी, बैटिंग बोली दोनों कर लेती अच्छी फिर टीम की तरफ से। उसके अलावा केटी को उसको कवर कर सकते हो, एमडी डी उतना पे फिर नहीं कर रहा। सबसे पहले एन एस उपसोल को पिक कर लो, 8.5 किट बचता है एंड आपको डिसाइड करना पा 11th पे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहते एफ खातून के साथ जा सकते हो, जो इनका बॉलिंग कंफर्म तो नहीं रहता लेकिन अच्छी विकेट टेकी प्ले टीम की तरफ से। उसके रितु मोनी का बॉलिंग कंफर्म रहता, बस बैटिंग भी अच्छी कर लेती टीम की तरफ से। उसके अलावा एन अख्तर बैटिंग
अच्छी नहीं करती लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करती है, आप इनके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप टीम में चाहो तो आप ट्राई किसे कर सकते हो, जैसे कि ट्राई कर सकते हो कैटे क्रॉस वगैरह को भी ट्राई कर सकते हो, बट ओवरऑल मैं इसी टीम से कॉन्टेस्ट बुक करूंगा अभी के लिए, ये मेरी स्मॉल लीग टीम है। ठीक है, लाइनअप नहीं आएगा इस मैच का, बस आप स्क्वाड पे ध्यान दीजिएगा। अगर बाय चांस लाइनअप भी आता है फिर भी 15 प्लेस इधर से खेलेंगे, दोनों टीम्स के पास 15-15 प्लेस का स्क्वाड है, तो दोनों टीम से 15 प्लेस खेलेंगे। ठीक है, अगर लाइनअप आएगा भी ना तो किस लेवल का मैं बताता हूँ, लाइनअप आएगा तो आपको 15 प्लेस का लाइनअप दिया जाएगा। यही लास्ट मैच हुआ था और यही मतलब कि वार्म अप मैचेस का रूल है कि प्रैक्टिस किया जाता है प्लेयर से। चाहो तो विकेट कीपर चेंज, बट निकल सकता है सबसे बेस्ट ऑप्शन ये, कैप्टनसी करे प्लस फंड में बैटिंग करेगी। और बात है कैप्टन कैप्टन ऑप्शन, तो नेथन्स कैप्टन मेरी फिक्स कैप्टन है, वाइस कैप्टन कैटले बंड के साथ जाने जो उस टीम की तरफ से बैटिंग बोलिंग दोनों करेगी, वैसे विकेट टेक प्लेयर टीम की तरफ से और डेथ में बॉलिंग करती है टीम की तरफ से, ये ना ODI में कन्फर्म देते हैं बॉलिंग करती है टीम की तरफ से, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो सो पहले स्टोन वगैरह को भी ट्राई कर सकते हो पहले बॉलिंग रहेगी तो, और एनएस सोल को ट्राई कर सकते हो अगर इन केस अगर पहले बॉलिंग रहेगी तो। हम लोग क्या करेंगे, कैप्टन चल जाएगा ऐसे सो पहले स्टोन के साथ भी, क्योंकि सो पहले स्टोन हो सकती है कि फर्स्ट पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराए, तो इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ा एडवांटेज एनएस सोल को लेने का, क्योंकि दोस्तों ये हर मैच फर्स्ट पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराती है, तो इंपॉर्टेंट है कि न्यू बॉल स्टार्ट करें एनएस सोल। अगर मेरे पास एक और ऑप्शन रहता जैसे कि आठ स्पिक कर सकते हो आप, तो इसके से क्या करता कैटे क्रॉस को पिक करता, बट फिर भी ओवरऑल टीम मुझे काफ़ी सही लग रही टीम की तरफ से, तो इस टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर लेना। देखते हैदर नाइट को पिक करना एक सही रहेगा, क्योंकि वर्न बैटिंग करेगी टीम की तरफ से, तो हैदर नाइट के साथ ही जाओ। अगर चेसिंग रहेगा तो हैदर नाइट को ड्रॉप भी कर सकते हो, हैदर नाइट को ड्रॉप करके ट्राई कर सकते हो कोई एक्स्ट्रा प्लेयर, बट तीन बैट्समैन इंपॉर्टेंट है इनकी जगह पर ट्राई कर लीजिए कोई दूसरा, मतलब कि जैसे कि एफ खातून एफ ए क्यू को ट्राई कर लीजिएगा, उसके वाला आप रुमान अहमद की जगह पर ट्राई कर सकते हो कैटे क्रॉस को, ऐसा कॉमेंट सब आ सकते हो जब पहले बॉलिंग रहेगा तो। बट ओवरऑल टीम मुझे काफ़ी सही लग रही, आप सेम टीम को यूज़ कर सकते हो, फोकस करना है ग्रैली पे खेलने की, क्योंकि ग्रैली आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर एक चेंज कर सकते हो आपको बताता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे ना हैदर नाइट के बॉलिंग करने के चांस बहुत कम है, तो क्या कर सकते हो आप छोटा रिस्क ले सकते हो, जिनको लेने का रिस्क होगा वो जोर से लेना। अगर वर्नर बैटिंग नहीं करेगी हैदर नाइट तो उसके आपको करना क्या आपको बताता हूँ, हैदर नाइट को ड्रॉप करके ट्राई करना नीचे लॉरेंट बेनफिट जो टीम की तरफ से ओपन करेगी डेनी वार्ड के साथ ही, कन्फर्मली इस मैच में ओपन करेगी, तब इसके साथ भी जा सकते हो, मैं इनके साथ भी जा सकता हूँ, ओवरऑल इस टीम के साथ भी जा सकते हो ग्रैली खेलने। कैप्टन कैप्टन क्या करना आप ट्राई कर सकते हो सेम टीम रखना, और कैप्टन क्या करना एंड सोल कैप्टन, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में से विकेट गिरना ही है, तो कैप्टन बेटर ऑप्शन है। वाइस कैप्टन सो पहले स्टोन के साथ जा सकते हो या फिर स्काईवर वगैरह के साथ भी जा सकते हो, मैं फिलहाल के लिए जाना चाहता हूँ ऐसा अपना वाइस कैप्टन, मैं आपको दो टीम्स देता हूँ एक सेकंड को, स्वपिली स्टोन के साथ जाते हैं, आप चाहो तो सी बी सी स्वैप कर सकते हो, एक और टीम आपको मैं देता हूँ रुक जाओ। आपको करना क्या है आप ड्रॉप कर दो लॉरेंट बेनफोर्ड को ड्रॉप कर दो, और क्या करना नहीं एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, देखो हाँ आप सोचे कि हाँ टेमी वेंट कहाँ गए, तो टेमी वेंट ओपन करके डेनी वार्ड के साथ, या फिर डेनी वार्ड लास्ट मैच में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का जो सीज चल रहा था उससे भी इन्होंने क्या किया था टीम की तरफ से बहुत नीचे बैटिंग, तो अगर ऐसा होता है इस मैच में कि डेनी वार्ड नीचे बैटिंग करेंगे तो उसके ड्रॉप कर सकते हो डेनी वार्ड को, इस बात ध्यान किया, बस दो तीन प्लेयर से कन्फ्यूजन है कि हाँ किसे पिक करना है, फिलहाल के लिए हैदर नाइट के साथ ही जाओ या फिर एफ ए क्यू को पिक कर लो, इस टीम को मिनी के लिए यूज़ करना ठीक है, एफ ए क्यू को पिक कर लो। उसके अलावा क्या करना एस खातून की जगह पे रुमान अहमद ज़्यादा बैटर रहेगी, देखो मुझे देखो एस खातून को उतना विकेट भी लेगी भी जैसे एक विकेट लेगी, बट यह रुमान अहमद बैटिंग भी अच्छी कर लेती प्लस बॉलिंग भी पाएगी। उसके अलावा क्या करना जे आलम वगैरह को ट्राई कर सकते हो, अभी मैं ट्राई करना चाहता हूँ कैटी क्रॉस को, ओवरऑल ये मेरी ग्रैल टीम है, और एन अख्तर की जगह पर ट्राई करना चाहता हूँ जे आलम को, और ये मेरी ग्रैल टीम बन चुकी है। कैप्टन वाइस कैप्टन सेम ही जाना चाहता हूँ, आप सेम टीम के साथ जा सकते हो इन्वेस्टमेंट करने, ये मेरी मिनी ग्रैल टीम है ठीक है। मैं आपको बता दूँ अगर डेनी वार्ड इनकेस अगर ओपन नहीं करती है ये बैटिंग ऑर्डर आपको टेलीग्राम पर जोर से क्लियर करूँगा, क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस में डेनी वार्ड ओपन नहीं की थी, आप भी जानते हो हमने मैचेस भी कवर किया था उसके से ओपन नहीं की थी, नीचे बैटिंग की थी, बट हो सकता है आज के जो ओपन कर ले टेमी मूवमेंट के साथ, क्योंकि लॉरेंट वेलवेट अवेलेबल है तो मैं भी लॉरेंट वेलवेट खेलेगी तो उसके साथ डेनी वार्ड नीचे बैटिंग करेगी, इसमें ध्यान रखिएगा। उसके साथ हैदर नाइट के साथ जाना है फिर लॉरेंट वेलवेट के साथ आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते, बट अभी इस टीम कोटेस बुक करना है मिनी गैली, और इस टीम के साथ जाके बुक करना आप अभी बुक कर लीजिए इस टीम के साथ बॉली, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, एक एवरेज अमाउंट इन्वेस्ट करना या फिर कम अमाउंट इन्वेस्ट करना ठीक है, एवरेज करना या फिर कम, मैं आपको कम ही परफेक्ट करूँगा, चार तरीके से आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ये एक तरीके से प्रैक्टिस मैच है तो आप लोग थोड़ा इन्वेस्ट करना ज़्यादा नहीं करना ठीक है। इस टीम के साथ जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर लो, अगर कोई चेंजेस हो तो टेलीग्राम पर जोर से अपडेट करूँगा अपने टीम में ठीक है। बस एक दो प्लेयर कन्फ्यूजन है कि डेनी वार्ड ओपन करेगी नहीं करेगी, ये आपको टेलीग्राम पर क्लियर करूँगा। और आपको बता दूँ कोई भी अगर आपको बोलता है कि लाइनअप आएगा तो बिल्कुल भी लाइनअप नहीं, क्योंकि वार्म अप मैच है, इसका रूल यही है एक तरह से प्रैक्टिस होता है। आप लोग ये कन्फ्यूजन आप और ये भी मत सोचा कि डेडलाइन बढ़ेगा, डेडलाइन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा ठीक है। मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे जोर से करूँ, तो रियल टेलीग्राम जोर से चेंज कर लीजिए फाइनल टीम और टिप्स के लिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, और सेम टीम का स्क्रीनशॉट लेके जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर दो, मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट ले लो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा।
अगर पहले बॉल नहीं आता तो आप उसके समय ना सो पहले सो एंड सब सोल को ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई चेंजेस हो टेलीग्राम पे जूस अपडेट करूँगा तो रियल टेलीग्राम जूस चैनल के लिए जहाँ पे ना 17,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो जिसको फ्री विन टीम चाहिए टेलीग्राम जूस जहाँ पे ना 17,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो रियल टेलीग्राम चैनल करना जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पिन कर दूँगा। जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना और चेक सबके व्यू से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मैच के साथ। ठीक है, नेक्स्ट मैच की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जो कि एक इन्वेस्टमेंट के प्लान पे रहेगा कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितने मैच कौन से मैचेस पे। तो जिसको फ्री विन टीम चाहिए टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लेना।